आज मैं मेरे साथ में है कांतिलाल जोशी, राधा किशन जोशी और आज हम जा रहे हैं वहाँ पर ऊपर देवरी मथारी, वहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, तो जाते हैं वहाँ पर। बहुत ही एडवेंचर ये होने वाला है, तो देखिए ये वीडियो। यात्रा तय करते हुए और हमें उस देवरेश्वर महादेव की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है, तो एडवेंचर भरा ये वीडियो है, देखिए। ये है दोस्तों तरपाल का केदारनाथ, तो देखिए ये वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए, भोले के भक्त दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हमें दोस्तों उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है जो हमें ऊपर दिखाई दे रही है, और ये सड़क कच्ची सड़क भी है इधर से आते हुए, और हम कच्ची सड़क तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, पैदल पैदल चढ़ते हुए काफ़ी ऊंचाई हमने तय कर ली है और हम काफ़ी नज़दीक है। इस वट वृक्ष तक दोस्तों कच्ची सड़क आती है और यहीं पर पार्किंग एरिया है। ये देखिए बाइक्स लेके आए हुए श्रद्धालु, और ये देखिए पहाड़ी पर चढ़ते हुए श्रद्धालु भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी काफ़ी भक्तगण, भोले के भक्तगण आते हुए, ये देखिए तरपाल गांव के काफ़ी मात्रा में भक्तगण यहां पर आ रहे हैं। ये पहाड़ी दोस्तों तरपाल गांव, राममादड़ा और जाडोली के बीच में स्थित है, और एक तरफ पूरा जंगल ही जंगल है जो मैं इसके व्यू में दिखाऊँगा। तो ये देखिए भगवान भोलेनाथ के भक्तगण आते हुए, ये देखिए तरपाल गांव के भक्तगण यहाँ पर आते हुए। ये अंतिम चढ़ाई श्रद्धालु चढ़ते हुए, और जो जल्दी गए वो वापस दर्शन करके वापस नीचे भी उतर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी मात्रा में जो जल्दी गए वो नीचे भी आते हुए, ये देखिए भक्तगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके श्रद्धालु वापिस नीचे भी आते हुए, और अब हम भी यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारे दोनों साथी आगे बढ़ते हुए और इनके पीछे पीछे मैं। यहाँ से दोस्तों ये दो श्रद्धालु और बैठे हुए हैं। देवरेश्वर महादेव के दोस्तों गर्मी के दिनों में मेला भी लगता है, तो आप मेले में भी आ सकते हैं, क्योंकि मेले में भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों गर्मी के दिनों में आप आए तो नीचे सिर्फ एक कुआ है, इसलिए साथ में पानी की बोतल लेके आए। ऊपर यहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर मटकी चढ़ाई जाती है और जल चढ़ाया जाता है, उसी में पानी रहता है, बाकी ऊपर यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और आज सोमवार होने की वजह से भारी भीड़। दोस्तों मेरा ये यहाँ का दूसरा वीडियो है, एक वीडियो मैंने पहले बनाकर डाला था। तो ये देखिए दोस्तों, ये है देवरेश्वर महादेव जी का लिंग, दोस्तों शिवलिंग, देवरेश्वर महादेव का शिवलिंग। आप भी इस देवरेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो ये है देवरेश्वर महादेव का सुंदर शिवलिंग। यहाँ पर ये देखिए, ये पंडित जी कोई छोटा मोटा धुनी में हवन करते हुए, और काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़, और ये देखिए श्रद्धालु आते हुए अभी भी, तो बहुत ही अच्छा स्थान। और ये यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई, दोस्तों वहाँ पे भी प्रसाद अर्पित करते हुए हनुमान जी को श्रीफल वगैरह, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं। ज़्यादा विशेषकर यहाँ पर तरपाल के श्रद्धालु आए हुए हैं,
दोस्तों और बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं ये देखिए प्रसाद का आनंद लेते हुए। तो ये चारों तरफ से गांवों का और जंगलों का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। मैं भी आपको व्यूज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये पहाड़ों का सुंदर व्यूज़ जो कि गर्मी के मौसम में दिखाई दे रहा है हरा हरा, और बरसात में अगर आएंगे आप तो बहुत ही सुंदर अनुभूति यहाँ पर दिखेगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। और ये देखिए तरपाल गांव भी दिखाई देता हुआ। बरसात के मौसम में आपको स्वर्ग देखेगा। ये देखिए बादल बहुत तेज गति से हवा में दौड़ते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और चारों तरफ फोग ही फोग आपको दिखेगी। तो और अगर बरसात के मौसम में आते हो दोस्तों तो क्या कहने, बरसात के मौसम की तो बात ही कुछ और है। आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये स्वर्ग है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहेगी और बादल जो कि आप ये देख रहे हैं अपने सर के ऊपर से बादल गुजरेंगे। तो ये बरसात का नज़ारा और ये देखिए गर्मी का नज़ारा। आपने देखा दोस्तों देवरेश्वर महादेव पार्ट 2। तो यहाँ पर आए तो पानी साथ में जरूर लेके आए दोस्तों। ये हमें वंशीलाल जी टेलर दिखाई दिए, इन्होंने यहाँ पर बाटी बनाई हुई है बकरों के लिए खाने के लिए, तो धन्यवाद इन्हें। और ये है गूगल मैप दोस्तों, हमने तरपाल गांव से यात्रा ये प्रारंभ की। लवारिया होकर पैदल भी जा सकते हैं। ये देखिए लवारिया से यहाँ पर पैदल रास्ता जाता है, और ये सड़क जो कि तरपाल बस स्टैंड से फुटिया होकर आती है, और वो नीचे पार्किंग, और यहाँ पर है देवरेश्वर महादेव। ये इस चोटी पर है देवरेश्वर महादेव का शिवलिंग दोस्तों, और सुंदर मंदिर। ये कच्ची सड़क जो फुटिया से होकर आ रही है, और यहाँ पर है ये है देवरेश्वर महादेव। ये देखिए ये देवरेश्वर महादेव की वो छोटी, और यहाँ पर स्थित है देवरेश्वर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।